हर हर महादेव जैसे शंभू सावन का महीना जाना जाता है भगवान शिव की पूजा आराधना व्रत त्यौहार इत्यादि के लिए। ऐसे में हरियाली तीज आने वाली है। आज इसकी कब है, किस तरह से पूजा विधि रहती है और विशेष कार्यों के बारे में जानेंगे जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए आवश्यक है। 2022 में 31 जुलाई 2022 को जो है तृतीया तिथि सुबह आरंभ हो जाएगी 2:59 के आसपास, और साथ ही 31 जुलाई दिन रविवार पड़ रहा है तो इस दिन जो है आप सभी को हरियाली तीज का व्रत करना होगा। साथ ही हरियाली तीज की पूजा विधि जान लीजिए। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से इस दिन भगवान शिव और माता रानी की पूजा करती हैं। इस दिन माता गौरा और भगवान शिव का मिलन हुआ था ऐसा माना जाता है। इस दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हरे रंग के वस्त्रों का चयन करने के बाद माता गौरी, भगवान शिव और श्री गणेश जी महाराज की मिट्टी की मूर्ति बनाने का प्रयास करें। ना बन पाए तो आपके घर में जैसी भी इनकी मूर्ति हो उसे जो है एक लाल चौकी में स्थापित करके उनका पूजन करें, और साथ ही सुहागिन महिलाओं के लिए आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दान करने के लिए लेकर आइएगा। इस दिन जो है माता गौरा को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के साथ ही भोले बाबा को आंक, दतूरा, भीलपत्र और साथ ही वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। फिर गणपति भगवान का पूजन करें और हरियाली तीज की कथा का श्रवण करें। मन ही मन भगवान से अपने सुखी जीवन और वैवाहिक जीवन सौभाग्य का आशीर्वाद के लिए कामना करें, और साथ ही धूप दीप इत्यादि देकर अंत में आरती करें। आवश्यक रूप से इस दिन सुहागिन महिलाओं को कई जगह निर्जला व्रत रखा जाता है, कई पर जो है फलाहार इत्यादि ले लिया जाता है। आपके वहाँ जैसा चलन हो उस हिसाब से कर सकते हैं। पूरे दिन जो है भगवान की आराधना पूजा में निकाला जाता है। जगह जगह पर झूले इत्यादि डलवाए जाते हैं। विशेष रूप से इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण करती हैं जो कि हरे रंग के होते हैं। आवश्यक रूप से माता गौरा का हरे रंग से पूर्ण श्रृंगार करना अखंड सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है, और साथ ही सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री प्रत्येक महिला को दान के रूप में निकालनी चाहिए। इससे जो है परिवार में सुख समृद्धि का वास मिलता है और आशीर्वाद स्वरूप जो है अखंड सुहाग का वरदान मिलता है। तो ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को आवश्यक रूप से इस तरह से संकल्प लेना होगा कि हे प्रभु, आज मैं यह व्रत करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाइए और मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। सालों से जो है इस व्रत को किया जाता है, माना जाता है। इस व्रत को सबसे पहले माता गौरा ने किया था जिसके तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो आवश्यक रूप से आप भी इस व्रत को करने का प्रयास करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।